तो मैंने सोचा कि मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करूँ। मैं जैसे उस पर क्लिक करा ना, तो हमें टिप्स एंड रिसोर्स पे एक नया ऑप्शन आ रहा था, उसका नाम था भाई ऐड योर्स। तो मेरे मन में चल रहा था कि इसका क्या मतलब, इससे क्या होगा, आपके मन में चल रहा होगा किसका क्या फ़ायदा। सबको मैं आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ, मतलब आपको क्या करना है, खाली वीडियो में तक बने रहना। तो अपन सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। मैंने जैसे क्लिक करा ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है। हंसना भी चाहूँ तो रुला देती है ज़िंदगी, वाह वाह। ऐड एनी फोटो वीडियो ऑफ योर पेट्स, तो भाई ये क्या है। तो देखो ये ना एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जैसे कि मैंने ऐसे एक चीज़ को ऐड कर दिया, कोई फोटो को ऐड करा, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ऐड एनी फोटो वीडियो ऑफ योर पेट्स, तो अब लोग क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ने मेरी स्टोरी देखी, अब उसे ना स्टोरी में एक ऐड योर्स का ऑप्शन आएगा। तो उसमें ऐसा कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कोई भी अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक पल लोगों के साथ शेयर करा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो चीज़ है जो मैंने करा वो और लोग भी करें, और वो करें ना तो वो यहाँ पे वो एडोस पे क्लिक करेंगे ना, तो उन जैसे मेरे पे लिखा आ रहा ना सेम टू सेम उनके पे भी आएगा। जैसे कि एडोस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पेट की कोई भी फोटो शेयर करी, तो आप वो भी ऐड योर्स पे क्लिक करके अपने पेट की फ़ोटो शेयर करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो ट्रेंड है ना ये सब तक पहुँचता चला जाता है। जैसे आपने देखा हो ना स्टोरी पे कोई ने डाला कि जस्टिस फॉर ये जस्टिस फॉर वो, तो वैसे ना एक कोई करता है ना तो सब करने लगते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप एडोस पे क्लिक करो तो आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। जैसे कोई ने लिखा माँ का प्यार, तो आप अपने कोई फोटो शेयर कर दो एडोस पे क्लिक करके। तो अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखा दूँ, जैसे कि ये आ रहा है ना, जैसे कि जय हिंद आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं से एक फोटो, चलिए यहाँ पे रील का आ रहा है कि स्टिकर रोप योर रील विथ अदर रिस्पॉन्सेज, कि मतलब कि और लोग भी अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो बना ली है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना ली, ये मैंने ये ली, मैंने एक वीडियो बना ली, चलो इसे छोड़ो रिपीट हो रही है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, मैंने शेयर मारा, चलो इसे अपलोड हो जाने देते, ये जल्दी से अपलोड हो जाए। और दिखा रहा है इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरीवन येट। अब ऐसा ना कि जैसे आपने एक स्टिकर ये शेयर करा है ना, तो अब ऐसा है कि लोग ना अभी तुरंत इसका यूज़ नहीं कर सकते। पहले जो इंस्टाग्राम है ना वो टेस्ट करेगा कि आपने एक सही स्टिकर चूज़ करा फिर नहीं करा। सही सी बात है, एक स्टिकर है। अब मैं काम करता हूँ ना, मैं दूसरे अकाउंट से इस रील को ओपन करता हूँ, तो मैं दूसरे अकाउंट से इस रील को ओपन कर लिया, अब मैं ऐड योर्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने जैसे ऐड योर्स पे क्लिक करा तो आप खुद देख सकते हो कि सेम रील ओपन हो गई, मतलब कि जो इस बंदे के अकाउंट पे जो रील आ रही है ना ऐड योर्स, मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो उसे अब ये मतलब इस बंदे अभी मैंने ये क्लिक करा ना, मैं ऐड योर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो मेरे अकाउंट में भी वो सेम रील का ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं भी अपना वो सेम मोमेंट शेयर कर सकता हूँ, सिंपली एक स्टिकर है। अगर आप कोई भी अपने ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जो आपने शेयर करा उस टाइप का लोग शेयर करें, सिंपल आपको स्टिकर में जाना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड योर्स का, तो वहाँ पर आप सिंपली ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो जिससे आप चाहो कि और लोग भी उसे ऐड करें। सो आई होप आपको क्लियर वगैरह हो गया हो, कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मतलब आपको इंस्टा में डीएम भी कर सकते हो। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो।